गुड मॉर्निंग व्यूअर्स, क्या हाल चाल है आपका। ये वीडियो मैं बना रहा हूँ युगंडा में सेफ्टी के हवाले से। अभी जो जहाँ मैं हूँ ये युगंडा नहीं है, ये रवांडा है। ये बहुत सेफ है, लेकिन जो युगंडा है वो इतना सेफ नहीं है। अभी हम लोग वहाँ पे दो दिन गुजार के आए हैं। हमने तो बड़े एहतियात से टाइम गुजारा वहाँ पर, तो हम लोग सेफ रहे। हम तो अभी तक अफ्रीका ट्रिप में कोई मसला नहीं हुआ है हमारे साथ। आगे अभी 3-4 दिन के लिए हम जा रहे हैं कीनिया। वहाँ का पता नहीं है कि वहाँ पर क्या होने वाला है, लेकिन ये अभी तक जो हमने 11 दिन गुजारे हैं 3 कंट्रीज़ के अंदर, इसके अंदर कोई मसला नहीं हुआ हमें। युगंडा के अंदर आपको बहुत ज़्यादा ख्याल करने की ज़रूरत है। शहर में कुछ जगहें सेफ है कंपाला के अंदर, और कुछ जगह पे जो है ना वो मसले मसाइल भी है, तो वहाँ पे आपको सिंपली एहतियात करने की ज़रूरत है। देखो, मेन चीज़ हमेशा यही होती है कि आप अपने जो वैल्यूएबल्स हैं ना, जो मतलब आपके मोबाइल है, कैमरा वगैरह है, पैसे है, ये चीज़ें पब्लिक में ज़्यादा शो मत करें, ठीक है। और होटल के अंदर भी जो है ना कोशिश करें कि अपने पास रखें कहीं सेफ जगह पे, और अपने बैग के लिए यहाँ पे इस ट्रिप में अगर आते हैं, ये भाई से मैंने सीखा कि अफ्रीका के ट्रिप में अगर आप आते हैं ना तो आपको एक ताला लेकर आना चाहिए। अपने बैकपैक को जो है ना आप लॉक कर लिया करें और उसी के अंदर पैसे रख दिया करें। और बाकी है कि थोड़े से एहतियात करने की ज़रूरत है। रात को बाहर मत निकले, शाम से पहले वापस आ जाया करें तो आपके लिए बेस्ट होगा। अगर शाम के बाद रात को आप बाहर निकलते हैं, युगंडा की खास तौर पे बात कर रहा हूँ, ये रवांडा के अंदर ऐसा कोई इशू नहीं है। ये मसले जो है ना सिर्फ उधर है, युगंडा के अंदर है, ठीक है। तो ये चीज़ें आप करेंगे तो आई होप कि आप सेफ रहेंगे। और बाकी जो है और अच्छी जगह है युगंडा, इतना बुरा नहीं है। तो हम लोग गए थे, हमने तो इन्जॉय किया। 2 दिन का स्टे हमने किया, लेकिन अच्छा था। इट्स ओके, फाइन।